इस वक्त आप देख रहे हो इज़ एफएमपी में आपके साथ सिमरन। इस वक्त की बड़ी अपडेट की बात करें तो शिवराज कैबिनेट ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लिया है। जहां सबका बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी जिसमें कई अहम फैसले होने थे, तो वहीं इसको लेकर एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया जहां पर सरकार ने प्रदेश में 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को अपनी हरी झंडी दिखा दी है। जहां कैबिनेट ने इन नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और इन्हें मिलाकर अब प्रदेश में अब सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी। इस वक्त का बड़ा बिटा खजाना वही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस बारे में क्या कहा, आप खुद सुनिए। आज अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेके मैं आपसे रूबरू हूं। मध्य प्रदेश के अंदर आज नए 6 चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। मैं यहां यह कहना प्रासंगिक समझता हूं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट जो थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले, शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले, आजादी के बाद से तब तक कुल 5 मेडिकल कॉलेज थे और आज हमारे मेडिकल कॉलेजों की संख्या इन 5 को मिलाकर 20 हो गई है। इतनी तेजी से चिकित्सा के क्षेत्र में, और आपने ये भी देखा होगा अभी कोरोना काल में हमारे मेडिकल कॉलेजों ने काफी बेहतरीन काम करके दिखाया। ये 5 मेडिकल कॉलेज हैं, इन्हें क्रमशः ही लें, उसकी राशि भी मैं बोलूंगा, उसे क्रमशः माने, मंडला, सिंगरौली, श्योपुर, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, ऐसे ये 6 मेडिकल कॉलेज हैं और राशि क्रमशः ही मानी जाएगी 249.63 करोड़ रुपए, 258.7 करोड़ रुपए, 256.83 करोड़ रुपए, 256.55 करोड़ रुपए, 255.78 करोड़ रुपए और 270.59 करोड़ रुपए। ऐसे कुल ये 900 करोड़ के आसपास के से ज्यादा के, 1000 करोड़ से ऊपर हो गए हैं, तो 1200 करोड़ के आसपास ये राशि आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा मंजूर की गई है इन मेडिकल कॉलेजों। तो ये था इस वक्त का बड़ा अपडेट। लगातार हर छोटे से बड़े अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।